हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कोलड्रो में 3D क्रिएटिव एंड पावर क्लिप का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इमेज को उसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है। जो मैंने इमेज लिया था, या आप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। हमें इस वाले इमेज पर क्लिक करना है और हमें जाना है यहाँ पर इम्पैक्ट पे। अब देखिए, इसकी जो आउटलाइन वगैरह जो है ना, हम यहाँ से वो ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, हाई क्वालिटी इमेज, यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, यूनिक है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। देखिए, यहाँ जो इसकी जो बैकग्राउंड था उसको हमने यहाँ से कर दिया है रिमूव, बैकग्राउंड को। जो इसका बैकग्राउंड था उसको हमने यहाँ पे इसको हमने रिमूव कर दिया एक क्लिक में। सिंगल क्लिक में हम किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारा वेक्टर में कन्वर्ट होके जो उसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। इनको सेलेक्ट करेंगे और को यहाँ से हम करेंगे अनग्रुप। और देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे क्रिएट वाले पे। देखिए, ऑटोमेटिक ही एक इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपली और यूनिक चीज़ है। बस हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम डिज़ाइन बना क्या रहे हैं। और देखिए, जो उसका जो आउटलाइन था उसको हमने ले लिया, बाकी सबको हमने कर दिया डिलीट। ये हमें आउटलाइन लेने का तरीका है, बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। बस हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम आउटलाइन ले कैसे रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको पहले उठा के यहाँ पर लेंगे इमेज को। हम दोनों को हमने सेंटर अलाइनमेंट कर रखा है। हमें यहाँ से लेंगे जो गाइडलाइन होती है, यहाँ से भी प्रॉपर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर ठीक है या नहीं है। फिर हमने यहाँ से फ्री हैंड टूल लिया है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ शेप टूल लिया हमने, इसको हल्का सा ऊपर ले जाएंगे हम। अब इसको हम कर्म करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, इसको हल्का सा ऊपर लिए हैं और यहाँ से इसको हल्का सा हम नीचे ले जाएंगे। इसको हल्का सा ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल। हम प्रॉपर हमें यहाँ पे सेट करना है। शेप टूल का यूजुअल हर चीज़ में होता है, हमें पता होना चाहिए कि शेप टूल का हम यूज कैसे कर रहे हैं और कैसे हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये बहुत मज़ेदार वीडियो है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम जो मास्किंग इफेक्ट जो फोटोशॉप में करते हैं वो हम कोलड्रो में भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर उठा के यहाँ पर ले आएंगे। ये जो हमारा जो कर्व डिज़ाइन था वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे हम। फिर हमें यहाँ से लेना है टेक्स्ट टूल। अब यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना हो, मैं यहाँ पे ग्राफिक टाइप करूँगा, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइप करना हो आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिज़ाइन टाइप किया है। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए होगा आप वहाँ से फॉन्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हमें इस वाले ऑप्शन पर जाके हमें यहाँ पर जाके इसको हम कब को ये अब इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी हमारा जो टैक्स होता है इसको हमें अलग अलग तरीके से, जैसे हम फोटोशॉप में मैप का यूज़ करते हैं तो कोलड्रो में हम इससे यूज कर सकते हैं। आपको कौन से एरिया कहाँ पे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको प्रॉपर चाहिए, अब प्रॉपर देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पॉइंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखिए नीचे आ गया। बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप एक वीडियो में कई चीज़ें सीख सकते हो, कई चीज़ आप समझ सकते हो कि कैसे हम कोलड्रो के अंदर क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। बस हमें ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेप टूल लेंगे। आप इस चीज़ को आप शेप टूल से भी कर सकते हो। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करेगा वहाँ पे तभी आपका ये जब कुछ प्रॉपर सेट होगा। तो हमें इस पूरे बॉक्स के अंदर को प्रॉपर हमें सेट कर लेना है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसको हम यहाँ पे टच कर देंगे। हमें इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, जो हमारा अलाइनमेंट होगा वो प्रॉपर सेट होना चाहिए। मैं अपना हर एक वीडियो बताता हूँ, जितना अच्छा फ्रेंड आपका अलाइनमेंट होगा उतना अच्छा आप वीडियो बनाओगे। देखो, डबल क्लिक करोगे सेम शेप टूल की तरह, डबल क्लिक करोगे वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, आप वहाँ से भी सेट कर सकते हो दोबारा।
देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे पॉइंट बन जा रहा है, तो इसको मैं प्रॉपर यहाँ पे सेट कर लूँगा। जो अलाइनमेंट होनी चाहिए प्रॉपर ठीक होनी चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर समझ में आए जो हमारा क्रिएटिव है, हमें कितना अंदर रखना है, कितना सेट रखना है, प्रॉपर हम अपने अकॉर्डिंग इसको हम प्रॉपर हम सेट कर लेंगे। इसको हल्का ऊपर ले जाएंगे और हम इसको पॉइंट टू पॉइंट हमें टच करना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, जिससे प्रॉपर जो हमारा क्रिएटिव है, डिज़ाइन है, वो प्रॉपर हमें देखने में सही लगे, अच्छा लगे। इसको हल्का सा ऊपर ले जाएंगे हम, हमें पॉइंट पे क्लिक करके ही वहाँ पे इसको रिमूव करना है या मूव करना हो, कुछ भी करना हो आप वहाँ पे कर सकते हो। फिर दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे, देखिए इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद हम शिफ्ट टूल लेंगे, या उससे पहले हमें एक काम और करना है, प्लेन में इसको ऊपर कर लेंगे हम, इसको दोबारा हम यहाँ पे सेट करेंगे प्रॉपर ढंग से। शेप टूल की हेल्प से इसको प्रॉपर ठीक कर लेंगे हम। बिल्कुल इसको हल्का सा यहाँ पे टच करेंगे, प्रॉपर हमें टच नहीं करना, हल्का सा हमें ऊपर रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पे क्लिक किया, देखिए जो हमारा अलग एक डिज़ाइन हो गया, फिर सबको हमने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड देखिए इसको हम डिलीट कर देंगे, या डिलीट नहीं करना हो, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पहला जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करोगे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब एक मर्ज हो जाएगा, देखिए एक कलर को मर्ज हो गया ये। फिर इसको लाइन को हम यहाँ से हटा लेंगे, अंडू करना हो तो कंट्रोल जेड कर लोगे, फिर सेलेक्ट करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखिए पूरा ऑटोमेटिक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। फिर राइट क्लिक करके इस इमेज को हम इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे, फिर हमें इसको प्रॉपर हमें सेट कर लेना है इसको। देखिए हमारे प्रॉपर हमारा सेट हो चुका है ये, हल्का इसको बड़ा कर लेंगे हम। फिर बाहर हम अल्ट का क्लिक करेंगे तो हमारा जो पावर क्लिप होगा अनपावर क्लिप हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ये जो हमारा डिजाइन है बनके हमारा रेडी हो चुका है, यूनिक है, अच्छा है, बस हमें प्रॉपर उसके बारे में समझ में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्रिएटिव बनाए क्या है। फिर डबल क्लिक करेंगे, जो भी हमारा पेज होगा उसमें ऑटोमेटिक जो रेक्टेंगल होगा सेट हो जाएगा, इसको हम बड़ा कर लेंगे, शिफ्ट के साथ साइज को कम या ज़्यादा करना हो। फिर जब मैंने रेक्टेंगल बॉक्स लिया था उसको छोटा छोटा कर लेंगे हम, और यहाँ पे हम साइज ले लेंगे, जो भी आपको पेज का साइज लेना हो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा इतना जो हमारा था ये बन गया, हमारे ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर मेरे को शैडो डालना हो तो मैंने ड्रॉप शैडो टूल लिया है, उसके हेल्प से हम इसको हम यहाँ पे शैडो डाल देंगे हम। यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है, कितने आपको ऑपोसिटी रखनी है, कितना आपको थिकनेस रखना है, ये होता है रोटेटर, जो एरिया पे आपको रोटेट करना हो। ये हमारे देखिए ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है किस डायरेक्शन में आपको रखना है, और ये हमारा जो होता है ना ये हमारा होता है ऑपोसिटी, कितना आपको डार्क रखना है, कितना आपको लाइट रखना है, आप यहाँ पर प्रॉपर यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आपको और डार्क चाहिए तो आप यहाँ पे जाके आप प्रॉपर आप कुछ अपना टाइप कर सकते हो कि कितना परसेंट मुझे हाईलाइट करना है, कितना परसेंट मुझे नहीं हाईलाइट करना है, आप प्रॉपर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। फ्रेंड बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस पता होना चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं और बना कैसे रहे हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर समझ में भी आए और आप देख भी सके। देखिए यहाँ पे फिर मैंने ऑपोसिटी हल्का कम कर दिया है, 40% रखा मैंने इसका ऑपोसिटी जो रखा मैंने। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो फ्रेंड देखिए ये जो हमारी यूनिक चीज़ है उसके अंदर मेरे को शैडो डालना हो तो आप नीचे शैडो डाल सकते हो।
हर एक चीज़ का तरीका है आपको कैसे करना है। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल लिया, वो सॉरी सर्कल लिया, इसमें मैंने ब्लैक कलर मैंने फिल किया है। यहाँ पे जाऊँगा कन्वर्ट टू बिट मैप पे, जो भी आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हो। देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ ब्लर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप शैडो की जो ऑपोसिटी है ये आप रख सकते हो, कितना आपको ब्लर चाहिए कितना आपको ब्लर नहीं चाहिए आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिर यहाँ से लेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ पर कितना आपको हाईलाइट करना हो नीचे में वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यूनिक है, सिंपल है, बस हमें पता होना चाहिए कि हम हर चीज़ को घर बना कैसे रहें, कर कैसे रहें। सबको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हम, और इसको हम ऊपर कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा वीडियो था ये बन के हमारा रेडी हो चुका है डिज़ाइन। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।